नमस्कार, टारगेट विद आलोक के करंट इवेंट्स में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है, भारत ने विकसित किया निमोनिया का स्वदेशी टीका। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने निमोनिया का पहला स्वदेशी टीका न्यूमोकोकल पॉलीसेक्राइड कॉन्जुकेट पीसीवी लॉन्च किया है। इस टीके को पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी स्वास्थ्य संगठन पाथ और बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया है, जिसे न्यूमोसिल नाम दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि भारत अभी तक निमोनिया के टीके के लिए पूरी तरह विदेशी कंपनियों पर निर्भर था, जो बहुत महंगे थे। निमोनिया के स्वदेशी टीके का लाइसेंस भी हासिल कर लिया गया है, इससे इस टीके के लिए भारत अब आत्मनिर्भर हो गया है। अभी तक भारत ने फाइजर और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ही निमोनिया के टीके की सप्लाई करती थी। अब सीरम इंस्टीट्यूट एडवांस मार्केट कमिटमेंट के तहत पीसीवी टीके की सप्लाई करने वाला दुनिया का तीसरा संस्थान बन गया है। गौरतलब है कि हर वर्ष दुनिया भर में निमोनिया के कारण 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 10 लाख बच्चों की मौत हो जाती है। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदार पूनावाला ने कहा कि इस टीके को विशेष मिश्रण के आधार पर तैयार किया गया है और इसकी कीमत को कम रखने की कोशिश की गई है, ताकि यह हर किसी के पहुंच में आ सके। निमोसिल को विकसित करने में करीब 1 दशक का समय लगा है, लेकिन दूसरी कंपनियों के मुकाबले यह सस्ती है, जिसे निम्न और मध्यम आय वाले देश भी आसानी से हासिल कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि कुछ दिनों पहले यूनिसेफ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार निमोनिया के कारण हर वर्ष भारत में 1 से 5 वर्ष आयु वर्ग के 1 लाख से ज्यादा बच्चों की मौत हो जाती है। निमोनिया श्वसन संबंधी बीमारी है, इसलिए कोरोना महामारी के दौरान निमोनिया का टीका बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। यह वैक्सीन न्यूमोकोकल बैक्टीरियम को नष्ट करती है, जो इस बीमारी का कारण है। इस टीके को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले ही मंजूरी दे दी है। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन बाजार में सिंगल डोज और मल्टीपल डोज दोनों रूप में सस्ते दामों में बिकेगी। सीरम इंस्टीट्यूट विश्व के 170 देशों में अपने टीके की सप्लाई करता है और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका के कोरोना वैक्सीन का भारतीय वर्जन कोविशील्ड का निर्माण तथा ट्रायल भी कर रहा है, जिसे जल्द ही भारत में उपयोग की अनुमति मिलने की संभावना है।